लोकसभा चुनाव 2024 में एक साल का कम वक्त बचा है, जिसे देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मेजबानी में आयोजित की गई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में जवाब के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश का मसला उठाया, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने उनसे पलटकर कहा कि 370 के मुद्दे पर आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया था। सूत्र के अनुसार इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल को पिछले दो दिनों के उनके नेताओं के सारे बयान पढ़कर बताए और कहा कि ये सब आप लोग केवल प्रवोक करने के लिए कर रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत ही क्या है। सूत्रों के मुताबिक मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि यहाँ हम विपक्षी एकता के लिए इकट्ठा हुए हैं, कि इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को टोका और उनसे कहा कि ये बात सही है कि ये तो बैठक का मुद्दा ही नहीं है, तो फिर आप इस मसले को यहाँ क्यों उठा रहे हैं। इस बैठक के खत्म होने के बाद विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की, जिसमें आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। आपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के केंद्र के अध्यादेश को एक काला अध्यादेश बताते हुए एक बयान भी जारी किया। आपने कहा कि पटना में बैठक में भाग लेने वाले दलों में से 12 दलों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है और कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी ने अध्यादेश के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपना रुख व्यक्त किया है और घोषणा की है कि वे इसका राज्यसभा में विरोध करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक इस काले अध्यादेश पर अपनी स्थिति सार्वजनिक नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक न्यूज।